इंग्लैंड में करीब ढाई महीने लंबी सीरीज खत्म होने वाली है। टीम इंडिया ने पहले T20 सीरीज पर कब्जा जमाया तो उसके बाद वनडे सीरीज हार गई और अब टेस्ट सीरीज में तो बेहद शर्मनाक हाल रहा। इस बीच कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली पर भी सवाल उठे, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या रवि शास्त्री और विराट कोहली के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है? क्या विराट और शास्त्री आपस में बात नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को लेकर दोनों के ही बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, कप्तान या फिर कोच? असल में चौथा टेस्ट मैच हारने के बाद रवि शास्त्री मीडिया के सामने आए थे और जब उनसे पूछा गया कि चौथे टेस्ट मैच में अश्विन अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए तो क्या वो पूरी तरह फिट नहीं थे, तो रवि शास्त्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि नहीं, अश्विन पूरी तरह से फिट थे। और अब कप्तान विराट कोहली का बयान सुनिए। जब पांचवा टेस्ट मैच शुरू हुआ तो कप्तान ने बताया कि इस टेस्ट मैच में जडेजा खेल रहे हैं क्योंकि अश्विन पूरी तरह फिट नहीं है और अश्विन की समस्या बढ़ गई है। यानी कप्तान का कहना है कि अश्विन फिट नहीं है जबकि कोच कह रहे थे कि अश्विन फिट हैं। तो किसे सच्चा माना जाए और किसे झूठा? सवाल ये भी है कि जब शास्त्री ने अश्विन को फिट बता दिया था तो क्या उन्होंने ये बात अपने कप्तान को नहीं बताई, और अगर बताई तो फिर कप्तान ने कोच की इज्जत बचाने के लिए कोच की जैसी बात क्यों नहीं की? यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वैसे भी रवि शास्त्री कोच के तौर पर उतने लोकप्रिय कभी नहीं हो पाए और अब इस बार तो सभी जानते थे कि अश्विन फिट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी रविचंद्रन अश्विन को लेकर शास्त्री ने झूठ बोला, लेकिन विराट कोहली ने अपने झूठे कोच का साथ नहीं दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।